नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। आईएमए में पासिंग आउट परेड आज। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश। बिहार में 24 घंटे में मिले 566 नए मामले। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। गर्मी से मिलेगी आज दिल्ली वासियों को बड़ी राहत। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का व्यापक पैमाने पर चल रहे अभियान का बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को जो सैंपल की रिपोर्ट आई है उसमें 7 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी नया संक्रमित केस नहीं मिला है। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे की जो सैंपल टेस्ट रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार आज कोरोना वायरस संक्रमण के 619 नए कोविड मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 75 जिलों में से 7 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला है, जबकि 45 जिलों में सिंगिंग डिजिट के अंक में नए संक्रमित मिले हैं। 23 जिलों में 10 से 50 तक नए केस मिले हैं। अब प्रदेश में कुल सक्रिय केस की संख्या 11,127 रह गई है। प्रदेश में आज 1642 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से उभरे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की नीति पर सरकार के लगातार काम करने के कारण ही प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार काफी नियंत्रित है। बीते 24 घंटे में 74 लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें कानपुर में 15, गोरखपुर में 6 तथा बरेली में 5 लोग हैं। वहीं लखनऊ में सर्वाधिक नए संक्रमित मामले भी सामने आए हैं, जबकि वाराणसी में इनकी संख्या 24 है। तो आपको बता दें लखनऊ में सर्वाधिक 49 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि वाराणसी की बात करें तो इनकी संख्या 24 है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी के बीच शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई। दोनों के बीच 1.25 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले सीएम योगी ने पत्रकारों से कोई संवाद नहीं किया और सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास की ओर पहुंच गए। बीच ये मुलाकात हुई है। हालांकि सीएम योगी ने शाम को एक बयान जारी कर अपनी बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को शिष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की पहली लहर में प्रधानमंत्री की बताए गए ट्रेस टेस्ट और ट्रीट के मंत्र को राज्य सरकार ने दूसरी लहर के दौरान भी अपनाए रखा है, जिसके बेहतर परिणाम मिले और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता हासिल हुई है। सीएम योगी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस और भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन से प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति से ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थायी व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस और भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन से प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम केयर फंड्स के लिए माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति से ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थायी व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। और आपको बता दें कि लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कोई बड़े राजनीति पर चर्चा हो, लेकिन इसी बीच शाम को सीएम योगी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है।
आपको बता दें कि मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले सीएम योगी ने पत्रकारों से हालांकि कोई संवाद नहीं किया है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने शाम को एक बयान जारी कर अपनी बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को शिष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की पहली लहर में प्रधानमंत्री के बताए गए ट्रेस टेस्ट और ट्रीट के मंत्र को राज्य सरकार ने दूसरी लहर के दौरान भी अपनाए रखा है, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता भी हासिल हुई है। सीएम योगी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस और भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन से प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम केयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति से ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थायी व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा। तो मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं इसमें ये चर्चाएं भी लगाई जा रही थी कि राजनीति जो एक बड़ी चीज है उस पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन शाम को एक बयान दिया उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है, तो क्या कहना है आपका इस पे? प्रिया, आपको बता दूं कि ये मुलाकात हुई थी इसके पहले, अगर जाते हैं 20 दिन पहले जाते हैं तो जो 20 दिन का जो कयावत चल रही थी, चाहे वो बीएल संतोष का आना हो, राधा मोहन सिंह का आना हो, राज्यपाल से मिलना हो, फिर दिल्ली जाना हो और योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा हो, आपको बता दूं इस पूरे कार्य जो कवायद चल रही थी उसमें जो कार्य योजना थी उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश दिए हैं। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में फेरबदल, सहयोगी दलों से संबंध, विधायकों की नाराजगी, कोरोना से लड़ाई का बेहतर प्रबंध और राज्य सरकार के काम काज के मुद्दे प्रमुख रहे थे। अब कभी भी कोई अगर मुलाकात होती है, जब हमने देखा था राधा मोहन सिंह सीधे दिल्ली से आते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, कभी पहले नहीं देखा गया कोई प्रदेश प्रभारी आए और सीधे बिना किसी मंत्री के, बिना किसी प्रदेश अध्यक्ष के अकेले जाके राज्यपाल से मिलता है, बाहर निकलते बताते हैं शिष्टाचार भेंट है। इसी कवायद को देखते हुए कहा जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री लौटे हैं कल देर शाम लखनऊ, उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया कि योगी सीएम योगी ने जो पीएम मोदी से जो मुलाकात की थी वो मार्गदर्शन के लिए किया था, कैसे हम आगे कार्य करें उसके लिए था और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की कोविड में मदद की है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए शिष्टाचार भेंट की गई थी। पर क्योंकि हम लोग अगर अपनी दृष्टि देखते हैं भैया, तो पहले अमित शाह से मिलना, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, फिर नड्डा जेपी नड्डा से मिलना, उसके बाद राष्ट्रपति से मिलना, तो ये केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं हो सकती है। जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कवायद चल रही थी, जो सरगर्मी देखने को मिल रही थी संगठन और सरकार के बीच, वो किसी से नहीं छुपी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया था, ये भी बात सामने आई थी। तो यकीन मानिए ऐसी कोई शिष्टाचार भेंट तो हुई होगी, पर जो कवायद 20 दिनों की थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो माहौल गर्म था उसको लेके भी चर्चा हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके भी चर्चा हुई है, संगठन और सरकार में समन्वय को लेके भी हुई है, विधायकों की नाराजगी को लेके भी बात हुई है, कोविड प्रबंधन को लेके भी बात हुई है और आगे तीसरी लहर में कैसी कवायद शुरू हो कैसी सावधानी बरती है उसको लेके भी हुई है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि मंत्रिमंडल विस्तार कब, अब माना जा रहा है कि जब सीएम योगी दिल्ली दौरे से आ गए हैं तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है जी, क्योंकि जिस तरह से जितिन प्रसाद का कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहा है, उसके ठीक अगले दिन सीएम योगी का लगातार मुलाकात का जो दौर चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कोई बड़ा मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। हालांकि इस तरीके की लगातार बातें भी कही जा रही थी और अब जो बयान आया है कि एक शिष्टाचार मुलाकात बता दी गई है इसको, हालांकि जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं इस टाइम, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं लगातार यही सब बयान सामने आते हैं कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक है।
देखिए, आप हम अपने देश को पहले बता चुके हैं कि कभी भी अगर कोई दो नेता मिलते हैं राजनीतिक मुलाकात होती है तो उसको शिष्टाचार भेंट का ही नाम दिया जाता है। हालांकि कोई जो बात होती है वो सामने खुल के नहीं आती, पर एक हमने जो हमारे सूट के अनुसार जो हम बता सकते हैं कि इन मुलाकातों में भाजपा नेतृत्व ने जो पिछले 20 दिन से कवायद चल रही है, जो पिछले 20 दिन की सरगर्मी थी, जो 20 दिन का उठापटक हमने देखने मिला था, उसको लेके ही मंथन हुआ है। उसी की कार्य योजना के रूप में आगे बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश दिए गए हैं ऊपर से, आला कमान से। इसमें संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, संगठन में फेरबदल की बात हो, सहयोगी दलों से संबंध की बात हो, जैसे हमने देखा कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे थे, अनुप्रिया पटेल पहुंची थी अमित शाह से मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ठीक होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचते हैं तो उसके बाद बीजेपी के जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, चाहे निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल हो, तो उनके नेताओं से भी मुलाकात, क्योंकि हमने देखने को मिला था कि वो जो आपसी संबंध है कि जब बात आती है संगठन और सरकार के सहयोगी दलों की तो वो ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके बाद ये ऐसी मुलाकातों के दौर के बाद एक समन्वय बनाया जाता है, मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से इन सब को देखते हुए आगे की कार्य योजना बनानी है। तो अब जो विस्तार होगा उसे माना जा रहा है कि जो सहयोगी दल है चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल हो, उनको कैसे उसमें सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ ये भी कवायद लगाई जा रही है कि शायद जितिन प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा माने जाते थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में आए, तो शायद जो मंत्रिमंडल विस्तार हो उनको भी उसमें जगह मिल सकती है। और सबसे प्रमुख AK शर्मा को कौन से पद पे किस पद पे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए इस पे भी चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद CM योगी ने शाम को एक बयान जारी कर अपनी बात कही है। आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात को शिष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा है कि COVID-19 की पहली लहर में प्रधानमंत्री के बताए गए ट्रेस टेस्ट और ट्रीट के मंत्र को राज्य सरकार ने दूसरी लहर के दौरान भी अपनाए रखा है, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता भी मिली है। CM योगी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस और भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन से प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि PM केयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति से ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थायी व्यवस्था करने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के बरईपुर में टॉप 10 अपराधी पप्पू चिकना की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर कोतवाल ने मोहल्ले में जाकर मुनादी कराई। मुनादी के बाद नोटिस चस्पा करते हुए घर में तालाबंद कराया। दो मंजिला मकान सहित इनोवा कार पुलिस ने जब्त किया है और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की हुई संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। लगभग 2.25 करोड़ की कुल संपत्तियों पर प्रशासन का चाबुक चला है। वहीं सोनभद्र जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर के दामों को कम करने के लिए रॉबर्ट्सगंज मैन मार्केट स्थित विजयगढ़ पेट्रोल पंप पर शक्ति लेकर सरकार के खिलाफ घंटों प्रदर्शन किया है। भाजपा सरकार में बेतहाशा बढ़ रहे डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों को कम कराने के लिए सोनभद्र में कांग्रेसी नेताओं ने रॉबर्ट्सगंज मेन मार्केट में स्थित विजयगढ़ पेट्रोल पंप पर हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घंटों प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धीरज पांडे ने कहा है कि नोटबंदी के बाद आर्थिक मंदी से लाखों लोगों ने अपनी आय में कमी देखी है, लेकिन भाजपा सरकार लोगों पर बढ़ती कीमतों का बोझ डाल रही है। इस साल अकेले भाजपा सरकार ने कीमतों में 43 बार बढ़ोतरी की है और पिछले साल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 26 पैसे और 25 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसकी वापसी की मांग के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में एक अहम बैठक की और इस बैठक में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। 2022 में चुनाव की
आपको बता दें कि 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं ने बात की है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हम 2022 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे जैसे उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली माफ, सामान्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और गरीब और पिछड़े समाज की मदद करके 2022 के चुनाव को जीतेंगे। देखिए, अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक के लिए हम लोग ज्यों आए तब तक आपका विभाग आ गया और तब से लेके अब तक हम यहीं आपके सामने हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक करने तुरंत, क्योंकि विलंब हो गया आप लोगों से बात करने में। तो हम लोगों की साफ साफ बात है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं सरकार बनाकर। हम उत्तर प्रदेश में समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसको हम सरकार बनाने पर इसको प्राथमिकता। गोरखपुर में योगी सरकार ने कोरोना को लगभग पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया है। तीसरी लहर के मद्देनजर सभी जिलों में 50 आईसीयू बेड बच्चों के लिए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ लोगों की कोरोना टेस्टिंग चल रही है। लोगों को जून, जुलाई और अगस्त माह तक निःशुल्क खाने की चीजें भी बांटने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98% हो गया है। प्रदेश में गेहूं खरीदारी का लक्ष्य 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। यहां तक कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लक्ष्य ज्यादा की खरीदी हो जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि किसानों को कहीं से भी कोई दिक्कत ना होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। खरीदारी के बाद किसानों का भुगतान भी कर दिया जाएगा। मैंने गोरखपुर के गेहूं खरीद की समीक्षा की है। गोरखपुर मंडल में अब तक 3,04,641 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और जिसका 601 करोड़ रुपए उसकी देयता बनती है, जिसमें से 482 करोड़ रुपए का। राजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमण का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। रेलवे में अपनी ट्रेनों के जरिए वापस कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे पीआरओ ने बताया कि आगरा दिल्ली इंटरसिटी के साथ कई ट्रेनें चलने वाली हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है, जिसमें मथुरा से चलने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस शामिल है, जिसके समय में ज्यादा परिवर्तन किया गया है। बाकी ट्रेनों के समय में कुछ ही परिवर्तन किया गया है। अभी हाल फिलहाल तो आगरा कंड से न्यू दिल्ली जो अपनी इंटरसिटी पहले चलती थी वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। न्यू दिल्ली से वो 14 तारीख को चलेगी और आगरा कंड से वो 15 तारीख को चलेगी। उसी तरीके से निजामुद्दीन मद्रास जो अपनी राजधानी एक्सप्रेस है वो भी 18/6 से चालू हो जाएगी। 16/6 से उधर से चलेगी निजामुद्दीन से, 18/6 से मद्रास से चलेगी। साथ ही साथ एक गाड़ी है जो कि देहरादून कोटा, ये भी देहरादून से 14/6 को चलेगी। वहीं बुलंदशहर में आरएलडी के युवा नेता विशाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि मौके पर विशाल चौधरी ने युवा सम्मेलन और सदस्यता अभियान के तहत एक सभा का मध्य गंगा नहर कॉलोनी पर आयोजित किया। इस अवसर पर चौधरी वसीम राजा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान भाइयों को फसलों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, इसलिए किसान भाइयों के बच्चों के स्कूल की फीस और बिजली के बिल को माफ कर दिया जाना चाहिए। चौधरी वसीम राजा ने कहा कि आने वाले समय में विशाल चौधरी युवा नेता पार्टी को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनावी बिगुल टूट चुका है। युवा राष्ट्रीय लोकदल 2022 की तैयारी के लिए हम नौजवानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर नौजवान हताश और निराश है, बेरोजगारी चरम पे है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम दो जगह रखा है, एक जगह धमेड़ा में है, एक जगह यहाँ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।